तो गाइस कल मेरे मम्मी पापा ने मुझे बुलाया और मैं जैसे ही उनके रूम में गया उन्होंने कहा, कुत्ता आया मुंह में हड्डी लेकर आया, कुत्ता आया कुत्ता। ए मतलब ऐसा कोई कुछ नहीं कहता मेरे को, नहीं कहता तो है लेकिन मतलब उन्होंने मेरे को कहा असली में कि अरे पढ़ाई लिखाई करो, आईएएस वाईएएस बनो। तो ऐसा मैं एक हफ्ते से पढ़ाई कर रहा था अच्छे से, इसी वजह से वीडियो लेट हो गई। लेकिन आज की सर्वाइवल सीरीज़ की वीडियो में कुछ बहुत ही ज़्यादा एपिक होने वाला है, क्योंकि हम बनने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अपनी माइनक्राफ्ट में। एंड हमारे पास जितने भी डायमंड्स थे उनसे हमें बनाना है एक डायमंड आर्मर और कुछ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एक रेयर आइटम मेरे हाथ में लगा, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा क्या है वो। एंड आपको पता ही होगा मैं जल्दी अपना बना के ये ख़त्म करना चाहता हूँ, ये डायमंड आर्मर बना लूँ, क्योंकि मेरे को जाना है ऐसे थोड़ा शादी में नाचने के लिए, ऐसे मैं बहुत अच्छा नाचता हूँ। तो आप देख ही सकते हो मैंने 15 के 15 बुक्शेल बना लिए हैं, कुछ ज़्यादा ही ग्राइंडिंग की थी ऑफलाइन मैंने, ऐसे थोड़ा वीडियो जाना बनाते वक्त सही में की थी भाई। मतलब मैं एक बार मर भी गया था तो सारे डायमंड्स के जितने भी वो चेस्ट प्लेट और मेरी पिकैक्स थी वो सब मर गई, मैं थोड़ा ऐसे एएफ के चला गया था बहुत ज़्यादा देर के लिए, तो पता नहीं कहाँ से मैं टपक गया, तो जिस वजह से मेरी बहुत सारी चीज़ें चली गई। लेकिन मैंने थोड़ी बहुत ग्राइंडिंग की जिससे मैंने आयरन वायरन बहुत सारा माइन वाइन कर लिया, लेकिन मेरे को अभी भी डायमंड चाहिए। तो लेट्स गो फॉर अ डायमंड माइनिंग सेशन। केव में आते ही भाई डायमंड के दर्शन हो जाए भाई, इससे बढ़िया क्या चाहिए तुम्हें। तो यहाँ पे मेरे पे स्लिक टैच वाली पिकैक्स है, इसी से तोड़ूंगा मैं, जब तक मेरे पे फॉर्चून नहीं आती मैं तो अभी ये माइन नहीं करूँगा। तो अभी फॉर्चून भी लेनी है मेरे को, इस वजह से मैं स्लिक टैच से माइन करके रख लेता हूँ इन सबको। एंड अब चालू करते हैं हम स्ट्रिप माइनिंग, मैं एकदम परफेक्ट लेवल पर आ चुका हूँ। एंड यहाँ से स्ट्रिप माइनिंग चालू करते हैं डायमंड्स की खोज के लिए। ओके गाइज मैं वापस से ऊपर आ चुका हूँ, मेरे पिकैक्स की हेल्थ देखो भाई, डायमंड पिकैक्स की हेल्थ इतनी ज़्यादा लो चुकी है और आयरन पिकैक्स एक टूट गई और एक आधी से कम हेल्थ में, मतलब इतनी ज़्यादा ग्राइंडिंग की तब भी इतने कम डायमंड्स मिले, क्या ही बताऊँ, 18 डायमंड्स अभी हमारे पास। एंड अब मैं सोच रहा हूँ एक नेदर पोर्टल बनाने का ताकि मैं थोड़ा एक्सपी कलेक्ट कर सकूँ। तो यहाँ पे मैं अब डालता हूँ पानी, ये बन जाएगा ऑब्सीडियन जिसके थ्रू हम ऑब्सीडियन कलेक्ट करके नेदर पोर्टल बना सकते हैं। एंड इन सबको मेरे को डायमंड पिकैक्स से ही माइन करना पड़ेगा। तो लेट्स गो, नेदर पोर्टल हमारा बन के तैयार है, बस हमें अब चाहिए फ्लिंट एंड स्टील। तो मेरे पे आयरन तो होगा, बस फ्लिंट चाहिए होगी, मेरे पे ग्रेवल भी बहुत सारा है तो उसी से मैं फ्लिंट निकालने की कोशिश करता हूँ, इसमें से मिल जाएगा। तो चलो मैंने बना लिया फ्लिंट एंड स्टील, एंड अब इसको इग्नाइट मारते हैं, बूम बूम, यस लेट्स गो। अब हम चलते हैं सीधा नेदर पोर्टल में। ओके तो हम आ गए हैं यहाँ पे, ये नेदर वेस्ट वाला बायोम में स्पॉन हुए हैं। एंड बगल में बेसाल्ट बायोम जो भी है इसको कहते हैं, वो वाला बायोम है। एंड इधर वो एंडरमैन वाला बायोम जो भी है, मतलब नाम ऐसे नहीं पता, मैंने बहुत दिन से माइनक्राफ्ट खेली मेरे को मतलब नाम तक याद नहीं है मतलब बायोम, लेकिन भाई इधर कुछ ज़्यादा ही लावा लावा है, इधर गिरे तो सीधा मरेंगे हम और कोई रिवाइव करने भी नहीं आएगा भाई, रिवाइव कर दो यार। हेलो हेलो ओके तो माइंड कर लेते हैं हम अपने क्वार्ट्स, तो इनसे मिल जाते हैं भाई डिसेंट अमाउंट ऑफ एक्सपी, तो इस वजह से क्वार्ट्स माइंड करना ही फ़ायदेमंद है। ओके गाइज मैं 29 एक्सपी पे आ चुका हूँ। एंड अभी मेरे को थोड़ा सा ऐसे नज़र से बोर्ड आ गया तो मैं बाहर आ गया, लेकिन मेरे को आपको दिखानी है, मेरे को एक बहुत ही ज़्यादा रेयर चीज़ मिली थी। तो मैं डूम मतलब ऐसे ऑफलाइन जब माइन वाइन कर रहा था तो मेरे को एक माइन शाफ्ट मिली थी जिसके अंदर मेरे को एक चेस्ट में मिला एनचेंटेड गोल्डन एप्पल। भाई साहब इतनी ज़्यादा रेयर चीज़ मेरे को आसानी से मिल गई, मतलब ऐसे यकीन तो नहीं हो रहा लेकिन जो भी ठीक है। एंड एक चेस्ट में मेरे को मिला है गोल्डन एप्पल, तो मतलब दोनों के दोनों गोल्डन एप्पल और एनचेंटेड दोनों मिल गए। एंड यहाँ पे एक स्पॉनर भी है, ये देख लो यहाँ पे स्पॉनर भी है, लेकिन मेरे को मतलब ऐसा ठीक नहीं लग रहा क्योंकि ये स्पाइडर के स्पॉनर से मेरे को ज़्यादा कुछ खास का मिला गया नहीं, तो इस वजह से मैं इसका फार्म वार्म बनाने का फ़ायदा वायदा भी नहीं है। आयरन तो जरूर माइन करना चाहिए हमें, आयरन और पानी आ गया तो यहीं से बाहर भी निकल लेते हैं इस माइन शाफ्ट से, इस आयरन को भी माइन करते जाओ, ऐसे थोड़ा लालच तो बनता ही है। भाई साहब इतनी बड़ी बड़ी केव्स हो गई हैं, एक बार भाई मेरे बबल्स जा रहे हैं इतना दूर, ऊपर ऊपर सरफेस ही नहीं है। भाई साहब मैं मर जाऊँगा, मैं पक्का मरने वाला हूँ, बबल्स गए, यस भाई गए, मैं पक्का मरने वाला हूँ, प्लीज़ भगवान मेरे को बचा लो, यस बबल कॉलम, बबल कॉलम प्लीज़ मेरे को ऐसे जिंदा रख, मैगमा क्यूब अलग से मार रही है भाई, भाई प्लीज़ मेरे को आज माइनक्राफ्ट जिंदा जाने देगा कि नहीं ऊपर, भाई भगवान प्लीज़ ऊपर पहुँचा दे बस, लेट्स गो भाई, सांस में सांस आई है ऐसे ऊपर आके, वरना मैं अभी मरने ही वाला था। देखते हैं इसमें कौन सी चैटमेंट मिलती है हमें, और एफिशिएंसी 4।
भाई अभी मैंने मतलब मेरे को रिकॉर्डिंग करने का मन नहीं था क्योंकि मेरे को यकीन नहीं था कि मेरे को ट्राइडेंट मिल जाएगा। अभी मैंने एक ट्राइडेंट वाले मॉब को मारा और मेरे को यकीन था कि मतलब इतना आसानी से तो गिराता नहीं है, लेकिन उसने ट्राइडेंट गिरा दिया और हम पे इतना पावरफुल वेपन भी आ चुका है। आज कुछ ज़्यादा ही पावरफुल बन के जाने वाले हैं माइनक्राफ्ट में। तो गाइज अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं बनाऊँ एक छोटा सा फिश फार्म, तो लेट्स गो। ओके तो मछुआरा बनके मैंने बहुत सारी मछलियाँ पकड़ी एंड मेरे को बहुत सारी ये बुके किताबें भी मिल गई हैं, एपियरिंग 4 की 5 की और अनब्रेकिंग 3 की बो, पंच 1 एंड पंच 2 की बो। भाई साहब आज कुछ ज़्यादा ही लकी डे सैडल में मिल गया हमें, मतलब ठीक ठाक लुक तो हमें मिल गई है ऐसे थोड़ा देर ऐसे मैंने फिशिंग की थी, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनने वाले आज तो हम। डायमंड्स दे दो, जूते ले लो, डायमंड्स दे दो। नहीं मिले भाई डायमंड्स और मैं उल्टा मर गया भाई। मेरी एक्सपी देखो 9 पे आ गया, मैं गरीब हो गया हूँ, मेरे सब कुछ सामान लूट गया। बस अच्छा हुआ कि जो डायमंड्स मैंने माइन किए थे वो सब हैं, तो मैं सोच रहा हूँ जितने मेरे 18 डायमंड्स थे जो मैंने पहले से टच से माइन किए थे इनको मैं फॉर्चून 1 से माइन कर ही लूँ एंड अपना एक मतलब सूट तो बना ही लूँ, क्योंकि भाई बहुत ही ज़्यादा खतरा होता है माइनक्राफ्ट में मरने का। तो मैं एकदम ऊपर से नीचे गिरा, मैंने सब कुछ अपना खो दिया, मैं सोच रहा हूँ इन सबको माइन कर लिया जाए। और ये लास्ट लेयर हमारी डायमंड की माइन करने में और कुछ ही डायमंड्स बचे हैं, लेकिन ऐसे माइन करने में बहुत मज़ा आता है। लेकिन ये बात है कि फॉर्चून 1 से माइन करो आपको तो कभी 2 डायमंड्स या फिर 1 डायमंड मुश्किल से मिलेगा, 2 डायमंड्स भी कम ही मिलते हैं। तो थोड़ा बहुत हमें डायमंड मिल गया, देखते हैं हमें 29 डायमंड मिल गए। तो चलो अपने सामान बना लेते हैं, टोपी एंड एक गंजी बना लेते हैं एंड एक बना लेते हैं अपनी पैंट एंड एक बना लेते हैं अपने चप्पल। तो सब कुछ बन गया हमारा एंड इन सबको पहनने में भाई क्या फील आती है। और यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया अपना आर्मर, क्या ही सुंदर दिख रहा हूँ मैं, मेरे को नज़र ना लग जाए। ऐसे एक स्वॉर्ड भी बना लेते हैं, स्वॉर्ड हाथ में रखते तो ऐसे मतलब फील आती है थोड़ी, ऐसे मतलब पावरफुल है हम और हम बन चुके हैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल। आज हमें मिला है एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल, हमें मिल गए ट्राइडेंट, हमें मिल गए पावरफुल बोज और हमने कंप्लीट कर लिया डायमंड आर्मर। भाई साहब मतलब एकदम एपिक लेवल की चीज़ है, सब कर लिया हमने माइनक्राफ्ट में। तो रेडी रहना अगले सर्वाइवल सीरीज़ के एपिसोड के लिए, क्योंकि अगले सर्वाइवल सीरीज़ के एपिसोड में कुछ ऐसी एपिक चीज़ बनने वाली है जो आपने आज से पहले कभी भी नहीं देखी होगी। तो रेडी रहना उसके लिए एंड शाउट आउट टू बीटेड गेमिंग फॉर फॉलोइंग मी ऑन इंस्टा। एंड अगर आपको भी शाउट आउट चाहिए तो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। एंड पिछली वाली वीडियो देखना मत भूलना एंड मैं मिलूंगा अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक ले बाय।